मुन्ना, बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही है। अरे बात ही जो ऐसी है, अब उन्हें बच्चों के हाथों में वो निंदु के कीटाणु डाल दिए हैं। अभी अब उनको कोई टेंशन नहीं, अपुन अब अमर है अमर। अरे बोले तो अब अपुन की जिंदगी बहुत लंबी हो गई है, सुने लिपस्टिक। अरे कर ले तैयारियां, ये दिलवाला अपने दुल्हनिया लेने आ रहा है। अरे शर्मा रही लिया रे, शर्माए मेरी जूती। अच्छा, अरे लेकिन जूती तो तू पहनती नहीं है। चल कोई नहीं, ले अपना पाँव आगे कर, पायल पहना देता हूँ, फिर चम चम करके नाचियो मेरे साथ, चमक जल्लो। मुन्ना, ये बिफोर टाइम स्टेशन पे गाड़ी मत लगा, वरना बाद में सिग्नल पे अकेले अकेले बहुत नाचना पड़ेगा। अभी वो निंदु के कीटाणु बच्चों के शरीर में जाने बाकी हैं, इसलिए एक बात अच्छी तरह समझ ले, जब वो बच्चे सोएंगे तभी तेरी तकदीर जागेगी मुन्ना। अरे हाँ हाँ लिपस्टिक, वो भी हो जाएगा। चल ले पुस्की, ए उलट, चल देखते हैं वो बच्चा पार्टी अभी तक सोए ले है कि नहीं। चल बालवीर, आओ। मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बच्चों को बचाने के लिए निंदु की बीमारी की दवाई दे दो। अरे ऐसे कैसे, उसके बदले तुम्हें भी मुझे कुछ देना पड़ेगा। जानता हूँ भयंकर परी कि तुम्हें क्या चाहिए, और वो मैं अपने साथ लेकर भी आया हूँ। यही चाहिए था ना तुम्हें, तुम यही हासिल करना चाहती थी ना, रानी परी की राजरंग की शक्तियाँ। ले लो ये राजरंग, पूरी कर लो अपनी इच्छा, पर मुझे निंदु की बीमारी की दवाई दे दो। तीनों लोग, भयंकर परी है तुम सबकी रानी, अब मैं करूंगी राज तुम सब पर। और तुम सब बनोगे मेरे गुलाम। और बालवीर, अब तुम भी मेरे गुलाम हो। वाह वाह परी भयंकर, वाह कर दिया कमाल आपने, बन गई वो आप तीनों लोग की रानी, अब मैं बनूंगा प्रधानमंत्री आपका। चुप बेवकूफ, शक्ल देखी अपनी आईने में, तुम्हें तो मैंने अपना सेवक रख लिया, यही काफी है, वरना लायक तो तुम उसके भी नहीं हो। अब पर किया था वायदा आपने मुझसे। कितने बेवकूफ हो तुम, भयंकर परी अपना वादा कभी नहीं निभाती। तौबा तौबा, वादा तो मैंने इस बालवीर से भी किया था कि मैं इसे नींदू का इलाज दे दूंगी, लेकिन क्या मैंने दिया? नहीं ना। अब अपनी बकवास बंद कर और सड़ो यहां पर अकेले, मैं जा रही हूं तीनों लोगों पर राज करने। परी भयंकर, रुकिए, परी भयंकर बन जाइए, परी भयंकर।
मत जाइए, मत जाइए परी भयंकर। बस सपने ही देखते रहो तुम हमेशा। था वो सपना? गया नहीं कुछ अपना? जब बेवकूफ, मैं यहाँ जाग रही हूँ, तुम सो रहे हो। चुपचाप खड़े खड़े पैरा दो, वरना मैं तुम्हें कभी अपना प्रधानमंत्री नहीं बनाऊंगी, समझे? परी भयंकर ने भी की बात मेरे प्रधानमंत्री ना बनने की। हाँ? कहीं हो तो नहीं रहा सच मेरा अभी अभी देखा हुआ सपना? हाँ, करना पड़ेगा मुझे कुछ ये जांचने के लिए कि भविष्य में परी भयंकर बनाएगी मुझे अपना प्रधानमंत्री या नहीं। करना पड़ेगा मुझे कुछ, करना ही पड़ेगा। मैं रुक जा, मेरे लिए रुक जा, मेरे लिए कहाँ जा रही है? कहाँ? हाथ धोने के लिए। अरे कोई रोको रे, अरे रोको, इनके हाथ धुल के साफ हो गए ना तो निंदु के कीटाणु भी साफ हो जाएंगे और साथ में अपुन की शादी का स्वीट ड्रीम भी। ये बच्चे तो नहीं रोकेंगे भाई। अगर अपुन ने लिपस्टिक से सच्ची मोहब्बत किया ना तो ये बच्चे रोकेंगे। अरे रोक, रुक जा। अबे देख, रुक गए। क्या आपकी शादी? नहीं रे, अबे देख बच्चा पार्टी रुक गई है। क्या हुआ? आज के दिन हाथ नहीं धोते? क्यों? वैसे भी हॉस्टल में जाने के बाद तो डिसिप्लिन लाइफ गुजारनी है ना, इसलिए आज ऐसे ही खाना खाली थे। नहीं चल मेरे साथ। अरे चल चल, मैं अरे गिर गया इस मानव का टिफिन। तो शादी रोक दूं भाई? अपने जुबान को रोक फुसके, वरना तेरी सांसें रोक दूंगा। अभी उस लड़की का टिफिन बाकी है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। कोई बात नहीं, आजकल तो सब उल्टा ही हो रहा है मेरे साथ। मानो एक मिनट, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे टिफिन भी तो गिर गया, अब तुम क्या खाओगे? नहीं नहीं, मैं बाद में कुछ खा लूंगा। नहीं, तुम मेरा टिफिन ले लो। ये लो। नहीं चाहिए। चुपचाप ले लो, नहीं तो पीट दूंगी। अरे ले लो। मानो महत, तुम दोनों कितने अच्छे हो, इसलिए तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अरे ये बच्चे इतने अच्छे क्यों हैं? अब क्या करो? शादी रोक दो भाई। मानो महत, वो मेरा पेट दर्द कर रहा है। वो माँ ने मुझे सुबह बहुत सारा नाश्ता खिला दिया था, इसलिए मेरा पेट दर्द कर रहा है। क्या तुम लोग मेरा टिफिन खाओगे? तू सच बोल रहा है ना? लो ना, अरे लो ना, तुम भी कुछ खा लो। नहीं, मैं थोड़ा खेल के आता हूँ। खा ले। नहीं नहीं, अरे मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, पेट दर्द हो रहा है, मैं नहीं खाऊंगा। चलो खा ही लेते। इस लल्लू ने मेरी लाइफ बना दी, लिपस्टिक मेरी वाइफ बना दी, जियो राजा जियो। अरे लाइटिंग करवा, बैंड बजवा, दावत का इंतजाम कर। बस अभी वो अपने शिकार मानव और मेयर खाना खाएंगे और साथ में निंदु के कीटाणु भी उनके अंदर जाएंगे। फिर बाकी बच्चों की तरह ये दोनों भी लंबी नींद में सो जाएंगे, समझा? अरे खाओ रे खाओ, जल्दी खाओ और जल्दी से सो जाओ।
मानो और मेर तो खाना खाने जा रहे, मुझे उन्हें खाना खाने से रोकना होगा, पर कैसे क्या करूं मैं? इसलिए तो मुझे लगा कि लल्लू सीधा कैसे हो गया, तू तो है ही लल्लू। चल मानो, अचानक कहाँ चले गए ये मच्छर? अभी तो यही थे। कौन है ये मच्छर और क्या चाहते हैं ये? आज देश के अलग अलग इलाकों से ये खबर आ रही है कि बहुत सारे बच्चे खेलते कूदते हुए, पढ़ाई करते हुए या फिर खाना खाते हुए अचानक ही गहरी नींद में चले जा रहे हैं। फिर चाहे उन्हें कितना भी जगाने की कोशिश की जा रही है, वो कुछ पल के लिए जग तो रहे हैं लेकिन वापस गहरी नींद में चले जा रहे हैं। डॉक्टर्स भी अचानक हुए इस बीमारी के हमले को समझ नहीं पा रहे हैं और उनका ये कहना है कि इस तरह की बीमारी ना उन्होंने पहले कभी देखी है या फिर सुनी है। इस बीमारी से निपटने के लिए हमारी सरकार ने भी विदेशों से डॉक्टरों को बुलाने की तैयारी करी। जी बीमारी है ये, मैंने तो पहले कभी नहीं सुना इस बीमारी के बारे में। बच्चे ऐसे कैसे अचानक नींद में जा सकते हैं? जा सकते हैं नहीं माँ, जा रहे हैं। हमारी क्लास के दो बच्चे रोहित और केवल, वो दोनों भी अचानक गहरी नींद में चले गए। वो तो उनको पढ़ाई नहीं करनी होगी ना, इसलिए सो गए होंगे। नहीं पापा, टीचर ने उन्हें मुर्गा भी बनाया था, तो भी वो मुर्गा बने बने ही सो गए। मुर्गा बनाया इसलिए सो गए होंगे, वो होता ही आलसी है। सबको जगाने के लिए खुद जग जाता है लेकिन फिर पूरा दिन सो जाता है। बनाना था तो वो आज्ञाकारी, पूरा दिन चुपचाप मेहनत करने वाला, वो बनाना चाहिए था। मतलब गधा? गधे की बात कर रहा हूँ मैं। अभी कुछ भी मानव बेटा, मैं देख रही हूँ जब से स्कूल से आए हो तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं है, क्या हुआ? टीचर ने डांटा होगा और क्या। एक मिनट बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुमने बाहर कुछ खाया तो नहीं ना? नहीं माँ। हाँ बाहर खाना भी मत था बेटा, देखा ना न्यूज में बच्चे कैसे बीमार हो रहे, और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम बीमार रहो, क्योंकि दो तीन दिन के बाद हम लोग बाहर जाने वाले हैं ना, इसलिए। बाय द वे हम लोग कहाँ जा रहे हैं? वो हम लोग मैंने बोला था ना वो होने वाला है, वो होने ही वाला है मानव। कहीं नहीं, तुम जाओ हाथ धोकर आओ और खाना खाने आ जाओ। चल मानव। बता रही थी देख, मैं अब विंडो पे खड़े होकर देख रही हूँ कि कोई आ तो नहीं रहा। सिर्फ देखती मत रहना, कोई आए तो बोलना भी। हाँ हाँ मुझे पता है, अब तो जा और पापा की चाइनीज शर्ट ढूंढ। एक बार पापा की चाइनीज शर्ट मिल गई तो ना होगा बास और ना बजेगी बांसुरी। ए महर, मुझे हॉस्टल जाने का सोच सोच कर मेरे दिमाग का बैंड बज जाए, और तुझे बांसुरी की पड़ी है? उफ़ वो मानव, मेरा मतलब है कि एक बार शर्ट मिल गई तो पापा वो शर्ट पहन ही नहीं पाएंगे, और ना वो होगा जो हमने भविष्यवीन में देखा था। हाँ ठीक है, अब जा जा जा, जा। फंस गए, पापा तो कमरे में ही है।
नहीं नहीं, आवाज करूंगी तो पापा भी सुन लेंगे। मिल गया, ये कब से ढूंढ रहा था मैं। स्मिता, स्मिता, अरे भाई मेरे मोजे कहाँ है? मोजे नहीं मिल रहे हैं। अरे अलमारी में ही होगा। ओ नो, अलमारी में तो मानव है। अब तो फंसा मानव। ए यार, मेरी ही चीजें इधर उधर कैसे हो जाती है पता नहीं। चलो अलमारी में ढूंढ लेता हूँ। कहाँ ढूंढू? कहाँ है? बेल्ट भी नहीं पहना। स्मिता, मेरा बेल्ट कहाँ है? बेल्ट नहीं मिल रहा है। बेल्ट वही अलमारी में देखे होगा। यहाँ इधर पीछे पड़ी थी। अच्छा वाह। फिर भूल गया। क्यों भूल रहा हूँ? ये अलमारी बंद करना भी भूल गया। नो नो बाबा, नो प्लीज, अलमारी बंद मत करना। अलमारी में मानव।